हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल ऑफ के वी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ़ क्लास फोर्थ मैथ्स ये एनुअल एग्जाम का पेपर है आपका केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर का पेपर है तो क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि लास्ट ईयर तक पेपर जो है आपके फाइनल वो एटी मार्क्स के होते थे इस बार चेंजेस जो है आप सब होपफुली जानते हो कि फोर्टी मार्क्स के आपके पेपर होंगे लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल वही रहेगा बस ये है कि जो क्वेश्चन फोर मार्क में पूछा जाता था वो टू मार्क्स में पूछा जाएगा थोड़ा जो आपके चैप्टर सपोज करिए एट मार्क में आता था वो फोर में आएगा इस तरीके से हाफ कर दिया जाएगा बाकी पैटर्न जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस होते हैं केवी में नॉलेज बेस्ड होते हैं मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं फिर एबिलिटी टू कंप्यूट देखते हैं आप कितने अच्छे से कंप्यूटेशन कर पाते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर पाते हैं एंड लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे आप समझते हैं और किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन इन्हीं चार कॉम्पिटेंसी के बेस पर पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे किस चैप्टर से वो तो जब हम पेपर देखेंगे थोड़ा सा आइडिया आपको हो ही जाएगा सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता दूं सिलेबस है आपका एट चैप्टर कार्टस एंड व्हील्स से व्हील्स फ्रॉम दिस टू चैप्टर नंबर फोर्टीन स्मार्ट ये आपका सिलेबस है यानी कि सेवन चैप्टर्स आपकी एग्जाम में आ रहे हैं तो इन सात की प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स का जब कंप्लीट हो जाएगा सारे क्वेश्चन पेपर्स सभी क्लासेस के मैं आपको दिखा दूंगी उसके बाद हम लोग रिविजन भी स्टार्ट करने वाले हैं तो वो वीडियोज़ तो आप मिस ना करें उनका फ़ायदा आपको मिलता रहे उसके लिए ये ज़रूरी है ओके लेट्स बिगिन नाउ ओके okay, तो सबसे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में है आपका वन फोर्थ मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स तो आप जानते हैं वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं तो वन फोर्थ मीटर दैट मीन्स वन बाय फोर ऑफ हंड्रेड फैक्शन को आप कैसे सॉल्व करते हैं जो ये हंड्रेड है इसको वन से मल्टीप्लाई करिए हंड्रेड वन आर हंड्रेड और फोर से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि हंड्रेड बाई फोर का मतलब है हंड्रेड डिवाइडेड बाई फोर फोर टू जार एट नाइन टेन ट्वेंटी इज रिमेनिंग फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी तो यानी कि ट्वेंटी फाइव तो वन बाई फोर्थ ऑफ फोर्थ मीटर दैट इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स नेक्स्ट इज थ्री फोर्थ ऑफ वन के जी वन के जी में आप इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स तो वन के जी में आप जानते हैं थाउजेंड ग्राम्स होते हैं तो थ्री फोर्थ ग्राम के जी में कितना हो जाएगा थ्री फोर्थ ऑफ वन थाउजेंड इसमें आप क्या करेंगे वन थाउजेंड इंटू थ्री थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड को फोर से डिवाइड करेंगे थ्री थाउजेंड डिवाइड बाई फोर फोर सेवन जर ट्वेंटी एट टू रिमाइंडर ट्वेंटी फोर फाइव जार ट्वेंटी एक और जीरो है उसको कैरी किया तो ऊपर जीरो लग गया आंसर हो गया सेवन फिफ्टी यानी कि थ्री फोर्थ ऑफ वन के जी इज इक्वल्स टू सेवन फिफ्टी ग्राम ओके ये क्वेश्चन जनरली वन फोर्थ हाफ थ्री फोर्थ टू फिफ्थ पूछ लिए जाते हैं तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्वेंटी वन डेज इक्वल्स टू हाउ मेनी वीक्स आप जानते हैं कि सेवन डेज में वन वीक होता है इक्वल्स टू वन वीक तो 21 डेज में कितना होगा सेवन थ्री ट्वेंटी वन को डिवाइड कर दीजिए सेवन से क्योंकि सात का एक वीक का ग्रुप होता है 7 threes are 21, तो दैट वीक्स ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज डैश द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल कार्ड्स एंड व्हील जो पहला ही चैप्टर है वहां से क्वेश्चन लिया गया कॉर्ड आप जानते हैं ये सर्कल है आपका ये तीन चार चीजें आपको पता होनी चाहिए मैंने इसकी जो आपको समरी कराई थी जो रिविजनल वीडियो कराई थी इस चैप्टर की उसमें ये सभी चीजें एक्सप्लेन की हुई है आपको तो एक बार उसको आप जरूर देख लेना सेंटर से सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये रेडियस होती है सर्कल से सर्कल को जब आप मिलाते हैं लेकिन सेंटर से पास होके जाता हो ये डायमीटर होता है तो कॉर्ड क्या होती है कॉर्ड होती है ये जो कहीं पर भी आपके सर्कल से सर्कल को ज्वाइन करती हो अब ये कॉर्ड बहुत सारी हो सकती है ये भी कॉर्ड है दिस इज आल्सो अ कॉर्ड जैसे जैसे कॉर्ड सेंटर में जाती है वो लंबी होती जाती है और उसके बाद सेंटर से जब ऊपर जाती है तो फिर से वो छोटी होती जाएगी कहने का मतलब है सबसे लंबी कॉर्ड वो होती है जो सेंटर में हो और सेंटर में जो सेंटर से जा रही है वो के, उसको हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड डायमीटर तो कहने का मतलब है डायमीटर जो है आपकी वो सबसे लंबी कॉर्ड होती है डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैंने आपको वहां पर भी कराया हुआ है वन लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिली लीटर एक लीटर में थाउजेंड मिली लीटर होते हैं तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ थ्री सेंटीमीटर रेडियस विद सेंटर ऑन द सेम लाइन एक थ्री सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है आपको तो यहाँ पर आप थ्री सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बहुत लेंदी बड़ी हो गई छोटी सी ऐसे यहाँ पर कंपास रखिए और एक सर्कल ऐसे आपको ड्रॉ करना है दैट्स ऑल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम टू थिंग्स जो दो चीजों के नाम बताइए दैट यू यूजअली बाय इन ग्राम्स जो कि आप ग्राम्स में खरीदते हैं ऑब्वियसली जिन चीजों की कम जरूरत होती है उनको आप ग्राम्स में लेते हैं जैसे कि टर्मरिक इसमें आप स्पाइसेस के नाम लिख सकते हैं मसालों के नाम लिख सकते हैं क्योंकि वो बहुत कम आप डालते हैं ये आप खरीदेंगे कार्डिमम इलायची जो है वो आप ग्राम्स में खरीदेंगे के जी जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जैसे कि शुगर बहुत यूज़ होती है घर में डेली टी चाय बनाने में मिल्क में वैसे भी कोई आप स्वीट चीज़ बना रहे हैं उसमें भी और ग्रेन्स लिख दीजिए या फिर व्हीट लिख दीजिए राइस जब आप खरीदेंगे हंड्रेड ग्राम जितने से राइस से कुछ होगा नहीं तो ये दो चीज़ें क्योंकि ज़्यादा यूज़ होती है इसलिए किलोग्राम्स में ख़रीदी जाती है एंड ये ग्राम्स में नेक्स्ट इज फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाइए 150 स्वीट्स हैं एंड 30 चिल्ड्रन हैं तो क्या क्वेश्चन होगा इफ देर आर इफ वी हैव या फिर किसी का नाम भी आप लिख सकते हैं हमारे पास 150 फिफ्टी स्वीट है हाउ मेनी स्वीट्स ईच चाइल्ड विल गेट हाउ मेनी स्वीट्स ईच चाइल्ड विल we'll गेट एक बच्चे को कितने स्वीट्स मिलेगी इफ विल गेट इफ़ देर आर थर्टी चिल्ड्रन अगर वहाँ पर तीस बच्चे हैं तो ओके तो डिस्ट्रीब्यूशन में फिर आप डिवाइड करेंगे तो हर एक बच्चे को फाइव स्वीट्स मिलेगी ओके या फिर सिंपल लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूट वन डिस्ट्रीब्यूट वन फिफ्टी स्वीट्स अमंग थर्टी चिल्ड्रन बस इतना भी क्वेश्चन चल जाएगा नेक्स्ट है कंप्लीट द टाइलिंग पैटर्न इस टाइलिंग पैटर्न को कंप्लीट करिए एंड कलर इट और फिर आपको ये कलर करना है तो पैटर्न तो दिख ही रहा है आपको ये यह यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये इन चार को ज्वाइन करके आपने बनाया हुआ है जो सेंटर से जा रही है लाइन लाइक दिस ऊपर में भी जो सेंटर से जाएंगे तो इनको ज्वाइन कर दीजिए उनको कलरिंग कर देना दिस उसके बाद यहाँ पर सेंटर से पास इसके साइड से जो जाएगी इस तरीके से ओके तो दिस यू हैव टू डू योर ये होपफुली आप खुद भी कर लेंगे चलिए लेट्स मूव हेड आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से ये कम्प्लीट होगा अगला क्वेश्चन है आपका अरेंज ट्वेल्व फ्लावर्स इन टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन सच अ वे दैट ईच रो हैव सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स टू फ्लार्स को आपको ऐसे अरेंज करना है कि हर रो में सेम नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हो तो पहले क्या करते हैं चार रो बनाते हैं वन टू थ्री एंड फोर और एक रो में थ्री फ्लार्स रखते हैं ये फर्स्ट अरेंजमेंट हो गया थ्री फोर वन टू थ्री एंड फोर ये देखिए वन रो टू रो थ्री रो फोर रो और हर रो में थ्री थ्री आपके ये है क्योंकि थ्री फोर जार ट्वेल्व तो ये फर्स्ट अरेंजमेंट है इस तरीके से आप बनाएंगे सेकेंड में सिक्स रोज बना लीजिए हर उसमें टू फ्लॉर्स या फिर टू रोज बना लीजिए एक में सिक्स फ्लार्स जैसे भी आप करना चाहते हो फिर थ्री रोज बना लीजिए एक में फोर फ्लार्स क्योंकि सिक्स टू जार ट्वेल्व टू सिक्स जार ट्वेल्व थ्री फोर जार ट्वेल्व फोर थ्री जार ट्वेल्व ये सभी ट्वेल्व होते हैं फैक्टर्स अगर करें ट्वेल्व वन जर ट्वेल्व ओके तो टू रोज बना लेते हैं एक उसमें सिक्स फ्लार्स रखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओके इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ओके और ये आपका सेकेंड अरेंजमेंट हो गया टू रोज हैं यहाँ पर और हर एक रो में सिक्स फ्लॉर्स हैं ट्वेल्व फ्लार्स आप इन दोनों तरीके से अरेंज कर सकते हैं नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पर आइए कंप्लीट द पैटर्न पैटर्न आपको कंप्लीट करने हैं एलेवन ट्वेल्थ क्वेश्चन के लिए ट्वेंटी सिक्स जेड ट्वेंटी फाइव वाई ट्वेंटी फोर एक्स बहुत आसान है नंबर सीखे कम हो रहे हैं ऐसे अल्फाबेट्स आपके लास्ट से स्टार्ट जैसे होते हैं वो पीछे की तरफ ही जा रहे हैं ट्वेंटी के बाद 23 आएगा 22 आएगा 21 आएगा x के पहले w आएगा w के पहले v आएगा v के पहले u आएगा तो ये आपका पैटर्न हो गया नाइन वन जीरो नाइन टू जीरो नाइन ऑब्वियसली थ्री जीरो नाइन क्योंकि आप हंड्रेड प्लस कर रहे हैं फोर जीरो नाइन एंड फाइव जीरो नाइन नेक्स्ट इज हाफ ऑफ हाफ ऑफ फोर्टी फोर्टी का हाफ विच इज ट्वेंटी और ट्वेंटी का भी हाफ विच इज टेन तो इसने कहा हाफ ऑफ हाफ ऑफ फोर्टी हाफ ऑफ फोर्टी कितना होता है ट्वेंटी एंड हाफ ऑफ इज तो आंसर पर आपका टेन हो जाएगा नेक्स्ट इज वन फोर्थ इज कॉल्ड एज वन फोर्थ को आप क्या बोलते हैं को हाफ बोलते हैं फुल या फिर क्वार्टर तो इसको क्वार्टर कहा जाता है नेक्स्ट इज इफ रेडियस इज थ्री सेंटीमीटर देन डायमीटर इक्वल्स टू ये तो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है आपसे भी ओरल टेस्ट में भी ये डेफिनेटली पूछा जाएगा आपको रेडियस देख डायमीटर या फिर डायमीटर की वैल्यू देख रेडियस पूछ सकते हैं डायमीटर आप जानते हैं रेडियस का डबल होता है तो रेडियस अगर थ्री है तो डायमीटर सिक्स हो जाएगा सिक्स सेंटीमीटर और अगर रेडियस सपोज करिए आपको ट्वेंटी दिया है डायमीटर ट्वेंटी दिया है सॉरी और रेडियस पूछी है तो रेडियस आपकी हाफ यानी कि टेन हो जाएगी ओके okay? ये रिलेशनशिप याद रखना डायमीटर इक्वल्स टू डबल रेडियस एंड रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर आगे आते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन इज रजिया वॉन्ट्स चेंजेस फॉर रुपीज फाइव हंड्रेड हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट रजिया को फाइव हंड्रेड के चेंजेस चाहिए अगर वो हंड्रेड के नोट ले रही है तो कितने आएंगे फाइव हंड्रेड में तो आप जानते हैं हंड्रेड हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड तो यानी कि पांच नोट आएंगे फाइव नोट्स नेक्स्ट इज फिफ्टी अब आप जानते हैं दो फिफ्टी मिलके के वन हंड्रेड बनाते हैं तो यानी कि टू फिफ्टी इस हंड्रेड को बनाएंगे टू फिफ्टी इसको टू फिफ्टीज इस मिलके इसको इसको एंड इसको तो जहाँ फाइव हंड्रेड के नोट चाहिए थे फिफ्टी के नोट्स आपको टेन चाहिए होंगे यानी कि डबल ओके वैसे भी फिफ्टी टेन आर फाइव हंड्रेड होते हैं तो ये इसलिए भी टेन आ सकता है जैसे भी आप समझ सके ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे भी मेक नाइन के जी यूजिंग वेट फाइव सिक्स एंड टू के जी ओनली इन तीन वेट्स को यूज़ करके आपको नाइन के जी बनाना है अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी ऑपरेशन लगाइए प्लस करिए माइनस करिए कैसे भी तो देखिए इसमें कैसे होगा सिक्स प्लस फाइव इलेवन हो गया और उसमें से टू माइनस कर दीजिए ये आपका नाइन के जी हो गया नाइन के जी सिक्स फाइव और टू को यूज़ करना था तो दो वेट्स को ऐड करिए और एक वेट को माइनस कर दीजिए उसमें से ड्रॉ फॉर डिफरेंट वेज टू कट रेक्टेंगल इन टू फोर इक्वल In इन चार तरीकों से इन रेक्टेंगल को आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है पहला तो यही तरीका है सॉरी वन टू थ्री एंड फोर इक्वली आप डिवाइड कर दीजिए सेकेंड ये हो सकता है थर्ड ये हो सकता है हाफ और इधर से हाफ ये ये वन टू थ्री फोर पार्ट्स और चारों इक्वल होंगे फोर्थ ये हो सकता है चार इक्वल पार्ट वन टू थ्री फोर एंड ऑल फोर पार्ट्स आर इक्वल ओके नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग ड्रामा चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन स्मार्ट चार्ट से क्वेश्चन इज ड्रामा चार्ट को ऑब्जर्व करिए और क्वेश्चन के आंसर्स करिए चलिए एक्टिंग द ये जो है आपका ट्राइंगल uh, ये थ्री चिल्ड्रन को शो कर रहा है ये ध्यान रखना कि बहुत अच्छे से देखना है आपको उसके बाद ही क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे एक्टिंग कितने बच्चों को पसंद है इसमें थ्री आपके जो है ट्राइंगल्स uh, हैं तो यानी कि थ्री 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 तो यानी कि नाइन स्टूडेंट्स एक्टिंग में हैं ड्रेस कलेक्ट में थ्री थ्री सिक्स चाइल्ड है ऐसे प्लेइंग म्यूजिक में ट्वेल्व है और मेकिंग द सेट में सिक्स है तो पहला क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एक्टिंग इन द ड्रामा ड्रामा जो आपके यहाँ हो रहा है उसमें कितने बच्चे एक्ट कर रहे हैं एक्टिंग तो में थ्री आपके ट्राइंगल्स है और एक ट्राइंगल थ्री को शो करता है तो थ्री थ्री आर नाइन यानी कि नाइन स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है विच आर मोर कौन ज्यादा है स्टूडेंट्स मेकिंग द सेट यानी कि ये या फिर दोज एक्टिंग एक्टिंग वाले ज्यादा है या फिर मेकिंग द सेट वाले ज्यादा है तो डेफिनेटली एक्टिंग वाले ज्यादा है क्योंकि वहां पर एक ट्राइंगल ज्यादा है वॉट इज बींग डन बाई मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं तो ज्यादातर बच्चे प्लेइंग म्यूजिक म्यूजिक प्ले कर रहे हैं ड्रामा में प्लेइंग म्यूजिक क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का ही सबसे बड़ा आपका चार्ट है नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कलेक्टिंग ड्रेसेस कितने बच्चे ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं तो दो है इसमें आपके ट्राइंगल और ट्राइंगल थ्री को शो करता है तो थ्री प्लस थ्री यानी कि सिक्स स्टूडेंट्स ओके okay. चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंप्यूट में आते हैं अब अब पेन कॉस्ट फाइव रुपीज़ एक पेन फाइव रुपीज़ का है नाइन पेन विल कॉस्ट जब भी आपको एक का प्राइस दिया हो और ज़्यादा का पूछा हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइव नाइन जार फोर्टी फाइव यानी कि नाइन पेन की कॉस्ट फोर्टी फाइव रुपीज़ हो जाएगी सेवन इंटू एट एट सेवन जार फिफ्टी सिक्स या फिर इसको आप लिख सकते हैं फिफ्टी सिक्स डिवाइड बाई एट इक्वल्स टू सेवन ये ऐसे होता है जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर आया अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो ये आंसर ट्वेल्व लेग्स मीन बारह पैर है अगर तो एक के चार होते हैं तो फोर प्लस फोर प्लस फोर कैट्स हैं कंप्लीट द नंबर टावर नंबर टावर को कंप्लीट करिए नंबर टावर में आप जानते हैं कि नीचे जो दो नंबर्स हैं इनके ऊपर जो आपका ये है बॉक्स इसमें इन दोनों का सम आप लिखते हैं तो वन प्लस टू इज़ थ्री थ्री प्लस टू फाइव ऊपर आएगा थ्री प्लस फोर सेवन ऊपर आएगा फोर प्लस फाइव नाइन देन थ्री प्लस फाइव इज एट फाइव प्लस सेवन इज़ ट्वेल्व सेवन प्लस नाइन इज सिक्सटी ट्वेल्व प्लस एट इज़ ट्वेंटी सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी इज ट्वेंटी एट सॉरी सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व इज ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी इज एट फोर्टी एट इस तरीके से ये आपका नंबर टार कंप्लीट होगा चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ब्लैंक्स विद प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू सेवन और थ्री के बीच में क्या ऑपरेशन हो कि ट्वेंटी वन आए तो ऑब्वियसली सेवन इन टू थ्री सेवन थ्री जार ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और थ्री के बीच में क्या ऑपरेशन हो कि आंसर सेवन आए तो ये डिवीजन होगा बिकॉज थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन सेवन और थ्री में क्या ऑपरेशन हो कि टेन आए दैट मींस प्लस क्योंकि सात और तीन दस होते हैं टेन और थ्री में क्या रिलेशन हो कि आंसर सेवन आए तो टेन माइनस थ्री सेवन होते हैं ओके okay? ये क्वेश्चन करना कैसे है या आपको समझ में आ गया होगा होपफुली नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट 72 टू एप्पल्स इक्वली टू थ्री ग्रुप्स ईच ग्रुप विल हैव हाउ मेनी एप्पल्स आपको 72 टू एपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है थ्री ग्रुप्स में तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है आप हमेशा डिवाइड करते हैं तो इसमें आप सेवेंटी को डिवाइड कर देंगे थ्री से सेवेंटी टू को थ्री ग्रुप से डिवाइड करेंगे थ्री टू जार सिक्स सेवेंटी टू एपल्स है सॉरी माइनस किया वन टू को कैरी किया ट्वेल्व हो गया थ्री फोर जार ट्वेल्व डर ट्वेंटी फोर तो यानी कि एक ग्रुप में एक ग्रुप को ट्वेंटी फोर फोर एप्पल्स मिलेंगे दिस इज योर आंसर नेक्स्ट इज यूजिंग नंबर वन टू सिक्स द मैजिक ट्राइंगल इन सच अ वे दैट ईच साइड एड्स अप टू नाइन ये आपको इस तरीके से इसको कंप्लीट करना है कि सभी साइड uh, का सम आपका नाइन हो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है होपफुली आपको याद हो जब आप इसमें लिखते हैं तो सबसे पहले वन टू थ्री तीन कॉर्नर्स पे लिख लेते हैं फोर फाइव सिक्स को इनके बीच में आपको एडजस्ट करना है अब आप जानते हैं कि थ्री प्लस फोर थ्री प्लस टू सॉरी फाइव होते हैं इसको नाइन के लिए फोर चाहिए तो यहाँ पर आप फोर लिख देंगे टू प्लस वन इज थ्री थ्री को नाइन बनाने के लिए सिक्स चाहिए तो यहाँ पर आप सिक्स लिख देंगे थ्री प्लस वन इज फोर फोर को नाइन बनाने के लिए फाइव चाहिए तो यहाँ पर आप फाइव लिख देंगे बस हो गया आपका ट्राइंगल कंप्लीट तीनों कॉर्नर्स पे वन टू थ्री लिखी लिखा फिर बीच के नंबर्स अपने आप देख लीजिए कि क्या आएंगे आपके इसमें सम नाइन है चाहे आप किसी भी साइड से इसको ऐड करेंगे देखिए फोर प्लस थ्री इज सेवन सेवन प्लस टू इज नाइन टू प्लस सिक्स इज एट एट प्लस वन इज नाइन फाइव प्लस वन इज सिक्स सिक्स प्लस थ्री इज नाइन तो ये आपका मैजिक ट्राइंगल कंप्लीट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पोस्टल रेट गिवन इन द चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन पोस्टल चार्ट को देखिए इसको क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने हैं देखिए सिंगल पोस्ट कार्ड जीरो पॉइंट फाइव रुपीज का है प्रिंटेड पोस्ट कार्ड छः रुपये का है आइलैंड लेटर्स टू पॉइंट फाइव जीरो का है लेटर का वेट के अकॉर्डिंग कैसे रुपए रुपीज चार्ज होते हैं अगर आपके लेटर में ट्वेंटी ग्राम या उससे कम वेट है तो फाइव रुपीज लगेंगे उसके ट्वेंटी से ऊपर जितना भी है उसके लिए टू रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे नेक्स्ट इज पार्सल का अगर फिफ्टी ग्राम तक कम वेट है तो फाइव रुपीज लगेंगे और फॉर एवरी एडिशनल फिफ्टी ग्राम फिफ्टी ग्राम से हर एक्स्ट्रा ग्राम के लिए थ्री रूपीज लगेंगे ओके okay? तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ टू आइलैंड लेटर्स पूछा हुआ है एक आइलैंड लेटर क्योंकि टू पॉइंट फाइव जीरो का है तो टू कितने का हो जाएगा टू पॉइंट फाइव जीरो जीरो कैरी वन टू टू जार फोर फोर प्लस वन इज़ फाइव और क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं तो हम भी लास्ट से दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे यानी कि आंसर हो जाएगा रुपीज़ फाइव पाँच रुपये लगेंगे कॉस्ट ऑफ फोर कार्ड्स चार कार्ड्स की कॉस्ट बताइए कि कितनी होगी एक कार्ड कितने का है अब इसमें प्रिंटेड नहीं दिया तो आप सिंपल पोस्ट कार्ड का लिखेंगे जीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो का है और फोर कितने के होंगे इन टू फोर कर देंगे फोर जीरो जार जीरो फोर फाइव जार ट्वेंटी और टू और दो नंबर छोड़ के यानी रुपीज टू ये टू रुपीज के हो जाएंगे इसके लिए 50 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप जानते हैं फर्स्ट 20 के लिए ये की बात हो रही है ये लेटर है आपका 20 फर्स्ट 20 ग्राम्स के लिए फाइव रुपीज लगते हैं तो फर्स्ट 20 के लिए फाइव लगे उसके बाद फिर से ट्वेंटी जो होगा उसके लिए टू रुपीज लगते हैं एडिशनल ट्वेंटी के लिए तो ये टू रुपीज लगे लेकिन ट्वेंटी और ट्वेंटी तो फोर्टी हुआ अभी भी टेन ग्राम्स बच गए हैं आपके तो ये मैंने आपको बताया है ऐसा नहीं सोचना है कि नेक्स्ट ट्वेंटी के लिए टू लगते हैं तो टेन के लिए वन लगेंगे अगर आपका नेक्स्ट ट्वेंटी से एक ग्राम भी ज़्यादा है अगर फोर्टी वन ग्राम भी होता आपका तो भी आप पूरे उसके लिए टू रुपीज़ ही चार्ज करेंगे तो नेक्स्ट टेन के लिए भी टू ही लगेंगे ओके तो फाइव प्लस टू प्लस टू दैट मीन्स सिक्स सेवन एट नाइन नाइन रुपीज़ लगेंगे आपके फिफ्टी ग्राम्स जो आपका पोस्ट कार्ड है फिफ्टी ग्राम का उसके लिए लेटर है सॉरी क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी प्लस टेन फिफ्टी होता है ओके okay? चलिए अगला क्वेश्चन है टू ट्वेंटी ग्राम्स का आपको पार्सल भेजना है तो पार्सल में पहले पचास ग्राम के लिए पाँच रुपये लगते हैं फर्स्ट फिफ्टी के लिए फ़ाइव रुपीज़ दे दीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं वेट ये है आपके प्राइस ओके okay? अब आपको टू ट्वेंटी का भेजना है तो फिर से फिफ्टी फिफ्टी अगले फिफ्टी के लिए थ्री लगेंगे अभी तो हंड्रेड ही हुआ अभी तो हमें टू ट्वेंटी करना है फिर से फिफ्टी उसने और ऐड किया क्योंकि टू ट्वेंटी ग्राम तक करना है तो हमने एक्स्ट्रा ट्वेंटी के लिए एक्स्ट्रा फिफ्टी के लिए हम थ्री रुपीज लेते हैं फिफ्टी फिफ्टी हंड्रेड प्लस फिफ्टी वन फिफ्टी हुआ फिर से फिफ्टी तो उसके लिए फिर से थ्री अब ये चार बार फिफ्टी यानी कि टू हंड्रेड हो गया अब टू हंड्रेड के बाद कितना वेट और बचा है ट्वेंटी तो ट्वेंटी के लिए आप जानते हैं हम थ्री रुपीज ही लेंगे ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि लास्ट में अगर आपका वन ग्राम भी वेट बचता है तो आप उसके लिए पूरा फिफ्टी वाला रेट का ही चार्ज करेंगे यानी कि आप थ्री रुपीज लेंगे तो कितना हो जाएगा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्स सेवनटीन होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो ये वैसे मैं आपको जब चैप्टर कराया था तब भी बता चुकी हूं नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इसका पेरीमीटर निकालिए पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री ये टेन सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ था थोड़ा सा शिफ्ट हो गया होगा लेंथ ऑफ़ बाउंड्री के लिए आपको चारों साइड्स जो इसकी दी हुई है ऐड कर देंगे आप फाइव प्लस एट प्लस फाइव प्लस टेन फाइव प्लस एट प्लस फाइव प्लस टेन फाइव प्लस फाइव इज टेन टेन प्लस टेन इज ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस एट इज ट्वेंटी एट दैट मीन्स ट्वेंटी एट इसका पेरीमीटर हो जाएगा कलर हाफ पोर्शन कितने इसमें बॉक्सेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स का हाफ क्योंकि थ्री होता है तो इसमें आप थ्री को कलर कर दीजिए वन टू एंड थ्री इन थ्री को अच्छे से कलरिंग कर देना फिल कर देना बस दैट्स ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ सीक्रेट मैसेज इन नंबर ए वन बी टू ब्रेव इंडियंस तो ए क्योंकि वन है बी टू है, so है तो टू लिखेंगे आप आर आर आपका एटीन uh, अल्फाबेट है तो एटीन ए फर्स्ट अल्फाबेट है सो वन वी आपका आई थिंक ट्वेंटी सेकेंड अल्फाबेट है यस और लास्ट ई आपका फिफ्थ अल्फाबेट है तो ये जो ट्वेंटी सेकेंड है ना इनको आप ऐसे लिखते हैं और एटीन को ऐसे लिखते हैं ताकि पता लगे एटीन है नहीं तो कोई सोचेगा दिस इज बी यानी कि ये इसको ए सोच सकता है क्योंकि आपने वन लिखा है और एट को फिर वो एट नंबर पर जो आता है एच सोच सकता है तो हमें उसे बताना है कि एटीन लिखा है तो जब आप एटीन लिखते हैं टू डिजिट नंबर लिखते हैं तो उसको इस तरीके से ब्रैकेट्स में या फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंडर कर देते हैं ओके चलिए तो ये फर्स्ट हो गया नेक्स्ट इज सॉरी नेक्स्ट इज इंडियन आई आपका डी सबसे पहले लिख लेना ये अपने ऐसे जेड तक लिख लेना तो ईजी रहेगा आपके लिए ओके okay. uh, होगा आपका अगेन नाइन्थ पर ए अगेन फर्स्ट पर और एन फिर से विच इज ऑन एन वो पहले भी आ चुका है ओके तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे ब्रेव इंडियंस सीक्रेट मैसेज में अगला क्वेश्चन है अ चॉकलेट हैज पीसेस प्रेरणा ईट वन फोर्थ ऑफ इट हाउ मेनी पीसेज रिमेन एक चॉकलेट में ट्वेंटी पीसेस थे प्रेरणा ने वन फोर्थ खा लिया तो पहले बताइए वन फोर्थ ऑफ ट्वेंटी कितना होगा एक सेकेंड कितना चॉकलेट जो है प्रेरणा ने खा लिया है प्रेरणा एट प्रेरणा ने खाया है वन फोर्थ ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी का वन फोर्थ देख लीजिए ट्वेंटी वन आर ट्वेंटी बाई फोर इसका मतलब है ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर फोर की टेबल में फाइव ज ट्वेंटी आता है फाइव यानी कि ट्वेंटी पीसीज में से फाइव पीसेज प्रेरणा ने खा लिए हैं तो पीसेज रिमेन कितने पीसेस पी आई ई सी ई एस पीसेज रिमेनिंग कितने हैं इज इक्वल्स टू ट्वेंटी में से जो उसने खा लिया उनको माइनस कर दीजिए यानी कि फिफ्टीन पीसेज अभी बचे हुए हैं दिस इज योर आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमरन हैज मेड अ नेकलेस ऑफ एटीन सीशल्स

नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हॉकी फील्ड इज 90 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग 55 मीटर वाइड हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द फील्ड ये फील्ड है लेंथ और ब्रेथ दोनों डीवियस की बाउंड्री लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर आपको निकालना है पेरीमीटर में आप जानते हैं आप चारों साइड्स को ऐड करते हैं तो चलिए ऐड करते हैं मीटर सेंटीमीटर 91 वन सेंटीमीटर्स है 40 दिस इज 55 मीटर दिस इज़ 91 40 अगेन एंड दिस इज फिफ्टी क्योंकि फिफ्टी फाइव में सेंटीमीटर्स नहीं है तो जीरो सेंटीमीटर्स लिख दीजिए ऐड करते हैं जीरो फोर प्लस फोर इज एट फाइव प्लस फाइव टेन प्लस वन इलेवन प्लस वन ट्वेल्व टू वन कैरी नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी प्लस नाइन ट्वेंटी नाइन यानी कि आपका आंसर होगा लेंथ ऑफ बाउंड्रीज टू नाइनटी टू मीटर एंड एटी सेंटीमीटर्स ओके वैसे इसके पेरीमीटर का फॉर्मुला भी होता है बट आई थिंक फोर्थ में नहीं है फिफ्थ में है आपको आता है तो आप उससे भी कर सकते हैं टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ अदरवाइज ये भी तरीका आपका सही ही माना जाएगा चलिए आगे आते हैं मेक अ चपाती चार्ट फॉर द फॉलोइंग गिवन डेटा इस डेटा का आपको एक चपाती चार्ट बनाना है तो यहाँ पे साइड में आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए ट्वेंटी टेन टेन यानी कि टोटल बच्चे कितने हैं ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फोर्टी में से ट्वेंटी को रेड कलर पसंद है यानी कि आधे बच्चों को रेड कलर पसंद है तो यहाँ से ऐसे कर दीजिए यहाँ पर और इधर ये रेड हाफ को पसंद हो जाएगा ये रेड वाला है ग्रीन ग्रीन है टेन को तो ये ग्रीन यानी कि हाफ जो बाकी ट्वेंटी बचे उसका भी हाफ कर देंगे अगर आप तो ये टेन को पसंद है और लास्ट है है अगेन टेन को यानी कि ये टेन हो जाएगा इसको कलर से ही कर दीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा इस तरीके से आपका चपाती चार्ट कंप्लीट होगा ओके दिस इज रेड दिस वन फोर्थ इज ग्रीन एंड दिस वन फोर्थ इज ब्लू चलिए लास्ट क्वेश्चन है अब आप आपका लुक एट द लिस्ट चार्ट and solve the question given below. आपको एक प्राइस लिस्ट दी हुई है उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करने है एप्पल एटी रुपीज पर के जी है ऑरेंज की कॉस्ट फोर्टी है ग्रेप्स सिक्सटी एंड मैंगो है ट्वेंटी क्वेश्चन है कितने होंगे वन फोर्थ एप्पल क्योंकि एटी के है तो ये हो जाएगा एट्टी वन जार एटी बाई फोर डिवाइड करेंगे आप, आप जानते हैं फोर टू जार एट और पीछे जीरो है तो जीरो आ जाएगी यानी कि ट्वेंटी रुपीज के होंगे फाइव के जी ऑरेंज वन के जी ऑरेंज फोर्टी की है तो फाइव के जी के लिए फ़ाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी को जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उससे आपको उसके प्राइस को मल्टीप्लाई करना है ओ oh, सॉरी ये गलत हो गया तो हाफ के जी एप्पल्स थे सॉरी हाफ़ ऑफ एटी ये तो आप जानते हैं एट्टी का हाफ़ फोर्टी हो जाएगा फाइव के जी ऑरेंज फाइव इंटू फोर्टी फोर फाइव आर ट्वेंटी और ये पीछे एक ज़ीरो आ जाएगी तो ट्वेंटी रुपीज़ नेक्स्ट है वन फोर्थ ऑफ ग्रेप्स वन फोर्थ ऑफ ग्रेप्स यानी कि सिक्सटी ये सिक्सटी बाई फोर हो जाएगा चलिए सिक्सटी को डिवाइड करते हैं फोर से फोर वन जार फोर फाइव सिक्स ट्वेंटी फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी तो कितना हो जाएगा फिफ्टीन रुपीज़ रुपीज़ फ़िफ्टीन हाफ के जी मैंगो एंड वन फोर्थ के जी ऑरेंज अब हाफ के जी मैंगो देखिए मैंगो है ट्वेंटी यानी कि हाफ ऑफ ट्वेंटी प्लस वन फोर्थ ऑफ ऑरेंज यानि की फोर्टी हाफ ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी बाई टू और वन फोर्थ ऑफ फोर्टी फोर्टी वन जर फोर्टी फोर्टी बाई फोर ये हो जाएगा टेन और ये हो जाएगा टेन यानी कि रुपीज ट्वेंटी के दोनों आ जाएंगे आप ऐसे भी देख सकते हैं वन हाफ के जी मैंगो ट्वेंटी के है वन के जी तो टेन के हाफ हो जाएंगे वन फोर्थ ऑरेंज वन के जी ऑरेंज फोर्टी के है तो वन फोर्थ टेन के हो जाएंगे तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये थे आपके सारे क्वेश्चन होपफुली थोड़ा सा आपको क्लियर ज़रूर हुआ होगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं प्लस कितनी आपकी प्रिपरेशन है प्लस कितनी आपको प्रिपरेशन और करनी है तो अभी से शुरू हो जाइए बहुत टाइम नहीं बचा है आपके एग्जाम्स में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अभी हमारे दो सब्जेक्ट्स बचे हैं उनकी वीडियोज़ भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी वेट फॉर दोस्त टू कम